क्या आपको पता है रैंक मोड में बोट कब आता है और क्यों आता है? क्या हम हर मैच में रैंकेड मोड में बोट ला सकते हैं? क्या इसका कोई ट्रिक है? इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हर एक मैच में बोट कैसे ला सकते हैं। मेरे इस गेम में चार प्लेयर को छोड़कर पूरा बंदा बोट है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोट रैंकेड में बोट लोबी कैसे लाते हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर देखिए, मुझे एक बोट दिख चुका है। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, इसे डाउन करके छोड़ देता हूँ। ये बाद में अपने आप ही किल हो जाएगा भाई। ये पूरा बोट ही लोबी हो तो कौन किल चुराएगा? देखिए भाई, मुझे एक बंदा और नॉक करके छोड़ देता हूँ। मैंने इस वीडियो को स्किप कर दिया, जाएगा बंदा है बस वहीं का वीडियो लिया और बाकी सब स्किप कर दिया है। पूरा वीडियो लेता तो भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और उसे कोई नहीं देखता भाई। मेरा न्यू यूट्यूब पे चैनल है, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। 2 मिनट 55 सेकेंड का ये वीडियो है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बोट को भी कैसे लाते हैं भाई। बोट लोबी कैसे आता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ भाई। जब आपका 2-3 बार माइनस लग जाता है, आप उतरे, आपको कोई बंदा मार दिया बिना किल किए या फिर 1 किल हो गया, 2-3 बार जब आपका 37-35 या 10-10 5-5 का 4-5 बार जब आपका माइनस लग जाता है, तो फिर बोट लोबी गरेना वाले हमें भाई दे देते हैं, जिसमें पूरा बंदा का बोट लोबी रहता है। बहुत से बंदे बताते हैं कि भाई ये काम कर लो भाई, बोट लोबी आ जाएगा, ये वो काम कर लो भाई। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जब आपका 4-5 बार माइनस लगता है तभी बोट लोबी आता है। मेरा यहाँ से देखो 6 बार माइनस लगा है, फिर उसके बाद इस गरेना वालों ने भाई मुझे बोट लोबी दिया है, जिसमें भाई मैं भुया कर सकूँ। इस वीडियो में भाई मेरे पूरे स्कोर ने भाई 33 किल 11 किल मैंने किया और मेरे एक फ्रेंड ने 11 किल किया और मेरे और दो फ्रेंड ने, एक फ्रेंड ने 5 किल और दूसरे फ्रेंड ने 6 किल किया। पूरा मिलाकर 33 किल हो जाता है और यहाँ पर लास्ट बंदा बचा है। चलिए देखते हैं, मुझे बंदा दिख गया और मैंने उसे मार दिया और यहाँ पर हमारा भैया हो चुका है। कोई बंदा आपको बताता है कि भाई ये काम करो तो बोट लो भी आ जाएगा, वो काम करो तो भाई बोट लो भी आ जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाओ, कैंड लॉक करो, तो सब भाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वैसी वीडियो बना